पश्चिम बंगाल में सोमवार को कंचनजंगा ट्रेन हादसे के अगले ही दिन रेलवे बोर्ड ने 18,799 सहायक लोको पायलट की तत्काल प्रभाव से भर्ती के आदेश जारी कर दिए हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि ड्राइवर भर्ती प्रक्रिया को एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरा किया जाए। जानकार मान रहे हैं कि रेलवे के इस फैसले से ओवर ड्यूटी कर रहे ड्राइवरों का बोझ कम हो जाएगा और मानवीय चूक से होने वाले हादसों में कमी आएगी। रेलवे बोर्ड के निदेशक विद्याधर शर्मा ने ये आदेश मंगलवार देर शाम जारी किए हैं। इस आदेश में उल्लेख है कि 15 दिसंबर 2023 को 5,696 सहायक लोको पायलट के पदों पर भर्ती करने की मंजूरी पहले दी जा चुकी है, लेकिन 16 जोनल रेलवे के एएलपी की अतिरिक्त भर्ती करने की मांग की जा रही थी। रेलवे बोर्ड ने इसकी समीक्षा करने के बाद अब 18,799 एएलपी की भर्ती करने का फैसला लिया है। इस आदेश में कहा गया है कि इंडियन रेलवे भर्ती प्रबंधन व्यवस्था रेलवे भर्ती बोर्ड बेंगलुरु की सहायता से एएलपी की भर्ती प्रक्रिया एक सप्ताह में ही पूरी करेगा। बता दें, रेलवे में लंबे समय से ड्राइवरों के पद रिक्त चल रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि रेलवे बोर्ड ने ड्राइवरों की ट्रेन चलाने की ड्यूटी 9 घंटे की निर्धारित की है, लेकिन कमी के चलते 31% से अधिक ड्राइवरों को 10 से 12 घंटों तक ट्रेन चलानी पड़ रही है। यही नहीं, 8% ड्राइवर तो ऐसे हैं जो 12 से 16 घंटे तक काम कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड की सेफ्टी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुसार भारतीय रेल में 68.1% रेल ड्राइवरों ने 9 घंटे तक ट्रेन चलाई है, जबकि 17.2% ड्राइवरों ने 9 से 11 घंटे, 6.2 ने 11 से 12 घंटे और 8% ड्राइवरों ने 12 घंटे से अधिक की ड्यूटी की है। नियम के अनुसार जब तक रेल गंतव्य तक नहीं पहुँच जाती, जब तक ड्राइवर इंजन को छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसे में ड्राइवरों को 16 से 18 घंटे या फिर इससे ज्यादा भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है। बताते चले, हाल ही में कांग्रेस की ओर से भी लोको पायलट भर्ती का मुद्दा उठाया गया था। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का कहना था कि पदों के रिक्त होने की वजह से ही ड्राइवरों को ओवरटाइम करना पड़ता है और इससे आम नागरिकों की जान पर बनाती है। आपके साथ एक और आंकड़ा साझा करती हूं, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा खुद अश्विनी वैष्णव ने पार्लियामेंट में दिया है या आरटीआई के माध्यम से भी सामने आया है। 3,12,000 रेलवे के रिक्त पद पड़े हुए हैं और कर्मचारियों की इसी भारी समस्या से रेलवे जूझ रहा है। एक आरटीआई के मुताबिक, और ये आंकड़ा बड़े ध्यान से सुनिएगा, लोको पायलट, बहुत सारे जो रेल हादसे होते हैं जहां पर गलत सिग्नल पे दे दिया गया, एक ही ट्रैक पर ट्रेनें चल गई, कहीं कहीं मानवीय त्रुटि होती है और वो मानवीय त्रुटि लोको पायलट के कारण होती है। क्यों होती है यह भी समझ लीजिए। लोको पायलट के 70,093 पद स्वीकृत हैं, इसमें से 21% पद खाली पड़े हुए हैं। सहायक लोको पायलट के 57,551 पद स्वीकृत हैं, उसमें से करीब 8% खाली पड़े हुए हैं। ये वो पद है जो रेलवे को सुरक्षित बनाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, लोगों को अपने गंतव्य से, एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए इन पदों का रोल होता है, और 21% ये पद खाली पड़े हैं। इसके चलते लोको पायलट के ऊपर बहुत भारी दबाव है, 12-12, 14-14 घंटे वो काम कर रहे हैं और इस तरह की त्रुटियां हो रही हैं।